नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिव्दिशा में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साईं बाबा के चमत्कार नंबर भाग 3। मैं आपको साईं बाबा के चमत्कार का सारा किस्सा मैं सुनाती आ रही हूँ और वाकई में चमत्कार होते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लास्ट तक वीडियो के ज़रूर रहना, आवाज़ पे मत जाना क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा है। तो क्योंकि कल थर्सडे है इसलिए मैं स्पेशली लेके आई हूँ, जो इसका मन हो तो वो अपने मन में धारणा बना सकता है उनकी व्रत रहने की। तो आज मैं वेडनेसडे को ये आपको चमत्कार सुना रही हूँ, ये पार्ट 3 है। तो ये इस प्रकार से है, बोल साईं बाबा की जय। साईं बाबा के चमत्कार नंबर भाग 3। साईं कृपा से नौकरी मिली। एक लड़का एमकॉम तक पढ़ा था लेकिन नौकरी नहीं मिलती थी। उसने और उसकी माता ने व्रत करके उद्यापन किया तो उसे नौकरी मिल गई। इसी तरह एक कलाकार कला के बल पर ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसे नाटक टीवी में काम नहीं मिल रहा था। 9 गुरुवार का उसने व्रत किया, अचानक उसकी इस क्षेत्र में मांग बढ़ गई। प्रादेशिक पिक्चर टीवी सीरियल में मुख्य भूमिका में काम मिलने लगा। आर्थिक सुख समृद्धि बढ़ गई। तो ये था मैंने तीसरा आपको चमत्कार बताया, और चौथा मैं आपको फिर से बताने जा रही हूँ, बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण। ये सेकंड है आपको चमत्कार बता रही हूँ। हेमा स्कूल में पढ़ती थी, उसका पढ़ाई में कभी भी मन नहीं लगता था। 9वीं कक्षा तथा जैसे तैसे उसने पास की। वो हमेशा कहती थी मुझे कुछ याद नहीं रहता। माता पिता चिंतित थे कि इस साल 10वीं की पहली दूसरी परीक्षा में सभी विषयों में फेल हो गई। किसी के कहने से 9 गुरुवार का व्रत शुरू किया, उद्यापन किया तो हेमा की याद शक्ति बढ़ने लगी। जो शिक्षक उसकी बुराई स्मरण करते थे वे उसकी तारीफ करने लगे। साईं बाबा के चमत्कार से बोर्ड की परीक्षा में 75 यानी 75% अंक आए और फिर उसने 11वीं में साइंस विषय चुना लिया। तो ये मैंने आपको दूसरा भी सुना दिया। अब मेरे चमत्कार जो भी हैं पुस्तक के द्वारा लिखे गए, वो मैंने जो भी लोगों के ऊपर ये अनुभव हुए हैं उन्होंने पुस्तक में लिखे हैं वो मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो अगर वाकई में मेरा और देखना चाहते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आँखों देखी मैं अपनी बताऊँगी आपीती, यानी मैंने जो देखा सुना और मेरे नेबर्स के साथ जो हुआ वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि कितना बड़ा चमत्कार हुआ। क्योंकि वहाँ पर भीड़ लग गई थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा, मेरी आंटी बहुत ज़्यादा मानती थी साईं बाबा को, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए थे, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊँगी। तब तक आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों को उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए, और कमेंट्स में जय साईं बाबा जरूर लिखिए। इसी के साथ में जय साईं बाबा।